सुबह हो चुकी है। बदी अपने शेर के साथ एक बिल्कुल शेर बन के खेल रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। एक सेकंड टेडी पकड़ेंगे, एक साइड मैट पकड़ेंगे, अभी मेरे पे भी आ सकते हैं मुझे पकड़ने। अब जब ये इससे पक जाएंगे तो मेरे पे आएंगे, ये मुझे इतना इन पे ही बहुत यकीन है। आई एम जस्ट वेटिंग कब आएंगे मेरे पे। ये मेरा एक्चुअली योगा मैट है जिसको ये आ रहा है। अब ये देखिए जान मुझ के मेरे पास आएंगे और मेरे को चपटा मारेंगे। ये देखिए मैं को दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए सारे मडू नहीं, अच्छी बात नहीं होती है, मेरे को नहीं काटते, ठीक है। एंड ये अब सुबह सुबह एलोवेरा खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं फॉर्म में एलोवेरा पूरा मुंह पे डायरेक्ट ही खा रहे हैं। ये देख सकते हैं इनको, इनका मॉर्निंग ब्रश है शायद। सो ये रही मेरी मॉर्निंग की चाय, ये रहा थोड़ी सी चाय नहीं है दूध, या मैं एक्चुअली ये दूध पीता हूँ, मैं चाय अवॉइड ही करता हूँ। तो ये रहे नट्स, ये रहे बिस्किट, ये रहे नवरात्रों का जो मैंने अभी जय पूजा की थी उसका थोड़ा सा प्रसाद है, और ये नमकीन। चलो खाते हैं फिर, आपके लिए ब्लॉग एडिट कर रहा था मैं उसका, चलते हैं आज देखते हैं क्या करना है। मैं ऊपर था तो मम्मा ने मुझे बुलाया, मैं क्लास ले रहा था ऊपर, मम्मा ने मुझे बुलाया कि बड़ी उल्टियां मार रहा है। तो वैसे भी दो तीन उसने उल्टियां मारी हैं, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, लेके जा रहा हूँ, दिखाना पड़ेगा क्या हुआ है इसको, क्योंकि यार चांस नहीं ले सकते कुछ भी, है ना। तो चलो लेके चलते हैं इसको, छोटा बच्चा ना, बड़ा होता तो चलो ये सहन भी लेता, अब ये सह भी नहीं पा रहा उसको जो उल्टी कर रहा है ना, ये थक गया है, दो उल्टियाँ मार के देख लो उसकी हालत देखो, सो रहा है, बट मैं सोने तो दूंगा, इसको लेके जाऊंगा। दीदी देखो दीदी रेडी है, पीछे रेडी हो रहे हैं, हम जाएंगे इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, फिर दिखा के लेके आते हैं इसको क्या हुआ है। मडू चलो उठो, बच्चे उठो, चलो आज हो गया, चुप के आजा आजा, चल चलो हॉस्पिटल चलते हैं, पहले आ जाओ, आ जाओ बच्चा, बच्चा आ जा, उठ जा, चलो पूरे थक गया है, हालत टाइट हो गई है इसकी, आ जा। उठा ले इसको, पता नहीं इसको क्या हो गया था, क्या तूने क्या खिलाया था, फीड ही खिलाई थी ना, स्टार्टर फीड खिलाई थी, पर वो गर्व गर्व करके ना खा गया बहुत जल्दी जल्दी, तो इसको अंदर इसके ड्राई बैग फूड, तो इसने उल्टी तो मार रहा है, बट अभी इसने दो फिर से चीज निकाल दी है इसने, अब हमने फिलहाल इसको उसकी दवाई खिला दी है, एरिया की, पर स्टिल कोई बात नहीं, ठीक हो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, है ना, मजे से खेलेंगे हम दोनों, अभी तो आराम से रेस्ट कर, अभी हम लेके चलते हैं देखो हॉस्पिटल, चलो चलो। तो आज फिर से घर पे कार नहीं है, तो फिर हमें एक्टिवा में जाना पड़ रहा है आज, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे यार पास में ही है तो कोई इशू नहीं होगा ज़्यादा, तो ले चलते हैं, आ जा। सो हम लेके चलते हैं यार इसको, बड़ी चलो बडीज हेयर अगेन, ये तो ऐसे तेरा हर रोज का अड्डा हो गया है। यहाँ पे एक्साइटेड हो गया फिर से, तू जो कैसे ला रहा है बड़ी, एक्साइटेड हो गया फिर से तू, पता नहीं। बड़े पूछ देखो पंखा चल पड़ा पीछे, बोलना उल्टी होगी डॉक्टर साहब, मुझे उल्टी हो गई थी, मेरे को दवाई दे दो डॉक्टर साहब, उल्टी हो गई थी, है ना, ऐसे बोलियो ठीक है बड्डी, ये ले पर्ची ले ले अपनी। सो आज भी बड्डी को 3 इंजेक्शन लगेंगे, डॉक्टर ने लिख दिए इसके इंजेक्शन है, एंड मेरे बच्चे को फिर
फिर 3 इंजेक्शन लगने वाले हैं मेरे बॉडी को। सैड तो 3-3 इंजेक्शन मतलब। चल कोई बात ठीक हो जाएगा, तुम्हें लेके आते रहे इसको। मैं एक्चुअली बाहर से लेके आने पड़ेंगे इंजेक्शन, तो मैं लेके आ रहा हूँ, दी वेट करेंगे अंदर। तो मैंने यार लाइक जो पीछे शॉप है, केमिस्ट शॉप ही है, ये डील करते हैं वेटनरी में, तो इन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया जिसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है इसका, तुम खुद देख लो। सो दिस इज द नेम, पहला इंजेक्शन, बाकी दो तो मिल जाएंगे अपना लाइक डिस्पेंसरी में ही होते अवेलेबल है। तो इसका जो कॉस्ट है वो इस अराउंड मुझे लगा कुछ होगा 120 या मतलब 200, क्योंकि किसी से वैक्सीनेशन भी ऐसी आती है ना 400-600, तो इसका कॉस्ट है 13 रुपया, तो देने में भी अजीब लगा 13 रुपये, बट चलो ठीक है मिल गया मुझे, तो काम से मतलब है। चलो चलते हैं अब इंजेक्शन लगवा के आते हैं बड़ी के, एक और दो और लगेंगे उसको यार, पता नहीं कितने लगाएंगे यार। चलो यार ठीक हो जाएगा, और क्या चाहिए, लेट्स गो। सो मैं आ गया वापस हॉस्पिटल, चलो चलते हैं अंदर और बड़ी के इंजेक्शन लगवा के आते हैं, 3 लगेंगे इसको यार। ओ हेलो, चले आ जा। सो इसको लग चुके हैं इंजेक्शन पिछवाड़े में 3। शक्ल देख लो इसकी, ओए बड़ी शांत हो गया, बिठा दो मैं बैठ जा, आवाज दे दे। तो मेरे बड़े को 3 इंजेक्शन लगे आज फिर से, थोड़ा ठीक करें और कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा फीड होगी तो देखो क्या हो गया। तो अंदर एक पर्सन डॉग लेके आया है, उनके गली के बाहर था, कोई गली का कुत्ता है एंड उसको वो ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है इसे देख के यार कि लोग हम अपने पेट को छोड़ के दूसरे भी देख रहे हैं, वो एक पेट लवर होता है इसलिए। तो डॉग लवर सिर्फ वो ही नहीं होता जो अपने डॉग को प्यार करता है, डॉग लवर वो होते हैं जो हर एक चीज़ होता है ना कि हर एक डॉग उनके लिए एक समान होता है। मैं भी एक्चुअली इससे बड़ी से पहले मैंने भी लाइक बहुत सारे मैंने स्ट्रीट डॉग से पाले हुए हैं लाइक 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि तब अलाउ नहीं कर रहे थे, अभी तो पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया क्योंकि हम बड़े भी हो गए हैं। बट जब मैं छोटा था, जैसे स्कूल से बाहर आता था, स्कूल से मतलब स्कूल से घर जा रहा होता था, कोई मिलता था मम्मी को बोलता था मम्मी प्लीज़ घर ले चलो ठीक करके, मतलब मम्मा बोलते चल ले चलते हैं, फिर हम साफ सूफ करके खाना खुना देके वहाँ पर छोड़ देते थे। और फिलहाल वैसे हमारे साहबजादे को लगे हैं 3 टीके बैक टू बैक, एक ही मंथ में 6 हो गए इसके, बट ये माइल्ड टीके थे, दिस इज़ नॉट वैक्सीन, ये कोई माइल्ड टीके थे 1 ml के, बहुत सस्ते से आए 13 रुपये के हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कितने माइल्ड होंगे। तो बस अब हम जाएंगे घर एंड बडी के हिप्स को मैं थोड़ा आइसिंग करूँगा बाद में मैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको दर्द होगी जरूर होगी। चलें बड़ू, चलें घर, चलो चलो। अभी बड़े बड़ी को गर्मी लग रही है, साहबजादे को पंखे के नीचे रखेंगे हम। चलो सो बड़ी घर आ चुके हैं एंड ये देखिए इन्होंने अपनी एक्टिवा खड़ाई थी पार्किंग में ना, इन्होंने अपने अंदर जाने को कष्ट किया और यहाँ पर इन्होंने अपना डेरा बसा लिया है और ये सो रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी जब तक सो रहा है तब सो सोने देते हैं, फिर ये उठेगा तो इसके पिछवाड़े पे आइसिंग करेंगे हम, क्योंकि इसको 2-3 टीके लगे हैं आज भी। तो चलो तब तक रेस्ट करेगा थोड़ा, इसका टेम्परेचर भी चेक किया था, टेम्परेचर ठीक था, नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने बोला कि यार जब आप फीड करोगे ना इसको, तो अकॉर्डिंग टू हिज वेट, अकॉर्डिंग टू हिज हेल्थ, इसको थोड़ा कम फीड दो, स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है कि इसको बल्की बना दो, ऐसा भी नहीं है, फिट रखो। तो जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे ही करते हैं यार, हम अपने हिसाब से नहीं करते, क्योंकि यार हमें भी नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं होती, उन्होंने हर स्टडी की होती है, तो वी प्रेफर कि हम उनकी बात को ज़्यादा माने रादर देन हम अपने ही साइड से करें। आज करने की कोशिश कर रहे थे, देखो क्या हो गया। तो बड़ी सो रहा है अभी एंड मैं अपने रूम में आया हूँ वापस, क्योंकि यार आज मेरा ना लास्ट MST है, मतलब मिड सेमेस्टर होते हैं जो,
20 के पेपर होते हैं जो, तो वो है, तो मैं अपनी फाइल शीट्स वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ। एल एम एस टी दे के मैं नीचे जाऊँगा, फिर खाना भी नहीं खाया मैंने सुबह से, जस्ट दूध ही पिया था वो। अभी मैं जाऊँगा फिर देखूँगा बड्डी क्या कर रहा है, फिर पहले मैं अपना एम एस टी दे दूँगा, स्टार्ट होने वाला है वो अभी। ठीक है, सो बाय। सो बस एम एस टी ख़त्म हुआ है, मैं नीचे आया हूँ और देखो बड्डी कैसे सो रहा है। सो बड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड से हो गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए देखो ब्लॉग एडिट कर रहा था एंड इसको सुन के आवाज़ें और ये ना पौड़ियाँ चढ़ के आ गया खुद ही, दरवाजे पे आवाज़ें दे रहा था कि मुझे अंदर ले आ ले ले, तो इसको ले आया है भाई, मुझे ब्लॉग एडिट करने देगा तुम्हें, नहीं करने देगा। तो ये आपका यही रीज़न है ब्लॉग लेट आने का, और कोई रीज़न नहीं है बच्चा। तो इंजेक्शन का असर हो चुका है आप देख सकते हैं, मिसाले उल्टियां मार रहा था, अभी उल्टियां मारा तब तो हालत तेरी टाइट हो गई है, अब इंजेक्शन के लगाया जोड़ोगे, बट ऐसे रहियो, ऐसे रहा कर, ऐसे रहा कर। ओके मुझे खाने आ गया है, मुझे खाने आ गया, देखो खाने नहीं दे रहे, कब मिलेगा खाना। सो देखिए कौन आया है मुझसे मिलने, या तो मुझसे नहीं मिलने आए, बड़ी से मिलने आए एक्चुअली, क्योंकि इनको जब मैंने बताया कि इन्होंने कॉल किया था कहाँ पे, तो मैंने बोला हॉस्पिटल, तो इन्होंने पूछा था कि क्या हुआ है बड़ी को, तो मैंने बोला उल्टियाँ वगैरह हो रहा, तो कैसा है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। सो स्पेशली मिलने आए इससे कि कैसा है ये अमाउंट, हाँ नहीं तो ये भी आते हैं हमारे साथ। बड़ी नोज हु इज ही, तो एक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं, नहीं बताया मैंने भैया को, हाँ खाना वो हो गया था, इसको ज्यादा फीड दे दी थी ना गलती से, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी को मिल गया है उनका पुराना शिकार। बड़ी हो चुका है पूरा फाइन, फिट एंड फाइन, एंड देखो कैसे खेल रहा है, मस्त हो चुका है ये, यानी इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग ख़त्म ये वाला। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू मैनी ऑफ आर ब्लॉग्स, आते रहेंगे डेली के ब्लॉग। एंड आप देख सकते हैं पीछे हाइड एंड सीक खेली जा रही है, सो स्टे ट्यून गाइज एंड लव यू ऑल, बने रहें हमें सपोर्ट करते रहें, कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन गिविंग अस लव एंड कीप ऑन प्लेइंग लाइक बड इज प्लेइंग एंड प्ले एवरी डे। सुबह वाले के